दो दिनों तक विभिन्न थानों का डीआईजी ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान विभिन्न थानों में कई कमियां पाई गई हैं, जिसमें अविलंब दुरुस्त करने का निर्देश थाना अध्यक्ष को दिया गया है। उन्होंने बोले, अगले निरीक्षण में कमी में सुधार नहीं पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। आज तक तीन थाना विभूतिपुर, हसनपुर और ये रोसरा थाना, इस तीनों थाना में जाके थाने के कार्यों का रिव्यू किया है। काफ़ी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, जिसके निर्देश दिए गए हैं। इसकी समीक्षा फिर से जब दोबारा यहाँ पर हम लोग आएंगे या फिर इन लोगों के लिए इसकी समीक्षा की जाएगी। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो निश्चित रूप से इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का भी इंस्पेक्शन किया गया है। उस इंस्पेक्शन में एसडीपीओ को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बेसिकली उसमें अभिलेख का ही जांच होता है, उसके आधार पर अभिलेखीय जो भी कमी पाई गई उन्हें उसमें बताया गया। खुशी की बात है कि उनके अभिलेख में काफ़ी अद्यतन पाया, अभिलेखों को काफ़ी अद्यतन पाया गया, लेकिन जो जो कमियाँ पाई गई थी उसमें निर्देश दिए गए हैं। और इस तरह की जो विजिट है, जिसमें अनुमंडल में जाना, वहाँ पर स्टे करना, लोगों से बात करना, इस तरह की कार्रवाई हम लोग करते रहे। सर, अपराध नियंत्रण के लिए क्या? अपराध नियंत्रण में जो पहली बात तो कि जितने भी अपराध हुए हैं उसमें जितने भी अपराधी शामिल हैं उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी है। उसमें कुछ कुछ थानों में लैक्सिटी पाई गई है, उसके लिए उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है। जो भी अपराधी चिन्हित किए गए हैं किसी भी अपराध को खारिज करने में, उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो। और उसके अलावा जो अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत पेट्रोलिंग की व्यवस्था, रेगुलर चेकिंग जो अनुमंडल स्तर से की जानी है या डिस्ट्रिक्ट स्तर से की जानी है, वो सब लगातार की जाएगी। इसकी समीक्षा मेरे द्वारा भी चलेगी। पिछले दिनों पर काफ़ी घटना में तेजी आई, उसमें वो मैंने रिव्यू किया, उसमें एक तो साइको किलर वाला इंसिडेंट हुआ था, इसमें लगातार तीन से चार घटनाएं हो गई जिसके कारण मर्डर की संख्या बढ़ गई। बट फॉर्चुनेटली वो पकड़ा भी गया।